Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the infinite knowledge hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज का जो हमारा विषय है वो हमारी पूर्व की कक्षाओं से ही संबंधित है। इन दिनों हम विकारी शब्दों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हमने विकारी शब्द का पहला बिंदु यानी संज्ञा पर चर्चा की थी। प्यारे बच्चों, संज्ञा जो है वो सब नाम यानी इस दुनिया में हर एक चीज़ के पहचान स्वरूप नाम है, उन नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। आज की कक्षा में हम विकारी शब्द के दूसरे बिंदु जिसका नाम है सर्वनाम, आज की कक्षा में हम सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले आज की कक्षा में हम सर्वनाम के अर्थ, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के कुछ उदाहरण और सर्वनाम के प्रकारों के नाम को जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सर्वनाम के अर्थ के साथ। सर्वनाम का जो अर्थ होता है वो होता है सबका नाम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्व की कक्षा में हमने संज्ञा के बारे में चर्चा की थी। संज्ञा जो है वो सब नाम होती है, यानी इस दुनिया में जितने भी नाम हैं वो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं और इन नाम के स्थान पर जो शब्द हम काम में लेते हैं वो बन जाते हैं सबके नाम, और सबके नामों की जो पहचान करवाता है वो होता है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है। पहला है सर्व और दूसरा है नाम। सर्व का अर्थ हुआ सबका और नाम यानी सबका नाम। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए, ध्यान देना बच्चों, पुनरुक्ति का मतलब होता है एक ही शब्द को हम बार बार प्रयोग में लाएंगे तो भाषा का जो प्रभाव है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो भाषा के प्रभाव को कम नहीं होने देना है, इसलिए वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर यानी जो संज्ञा हमने काम में ली है उसे हमें बार बार नहीं दोहराना है। हम उन संज्ञाओं के स्थान पर कुछ अन्य शब्द काम में लेंगे और उन अन्य शब्द का नाम है सर्वनाम अर्थात सभी का नाम। कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। मोहन मथुरा में रहता है, वह गुरुकुल में पढ़ता है, उसके दोस्त का नाम बलराम है, उसकी माता उससे बहुत प्यार करती है। आप जब इस पद को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि मोहन का नाम यहाँ पर एक बार आया है, मथुरा का नाम भी एक बार आया है, तो ये संज्ञा शब्द है। अब हम बार बार मोहन को नहीं दोहराएंगे, मोहन के स्थान पर हम वह, उसके, उसकी और उससे इन शब्दों का प्रयोग करेंगे ताकि भाषा की सुंदरता बनी रहे। यहाँ मोहन संज्ञा शब्द है और वह, उसके, उसकी, उससे आदि शब्द जो यहाँ प्रयोग में आए हैं ये सब के सब सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं हम सर्वनाम की परिभाषा की ओर। प्यारे बच्चों, सर्वनाम की जो व्यवस्थित परिभाषा है वो इस प्रकार है कि संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा नाम है हमारी उनके स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम शब्द कहे जाते हैं। कुछ वाक्य में हम उदाहरण देखेंगे। वह जाता है, आप यहाँ बैठिए, मैं उनसे मिलूँगा, वे झूला झूल रहे हैं। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि वह, आप, मैं, वे, यहाँ पर हमें पहचान नहीं हो रही है कि है कौन। यही हमारा विषय है, हमें नाम नहीं उनके स्थान पर शब्दों का प्रयोग करना सीखना है। तो इस प्रकार वह, आप, मैं और वे यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। क्या नाम है बच्चों?
सर्वनाम यानी सबका नाम। आइए हम आगे बढ़ते हैं सर्वनाम के भेद की ओर। हिंदी भाषा में जो है वो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद। इस प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और अंतिम है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने संज्ञा के स्थान पर जो विकारी शब्द काम में आते हैं वो होते हैं सर्वनाम, जिससे भाषा की सुंदरता बनी रहती है, उनके अर्थ को जाना, उनकी व्यवस्थित परिभाषा को जाना। कुछ उदाहरण से भी हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि सर्वनाम होता क्या है। साथ ही साथ में हमने सर्वनाम के भेदों के नामों को भी जाना है। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.